जैसे मालदा है, धूलागढ़ है, नॉर्थ 24 परगना है, भदुरिया है, मुर्शिदाबाद है, यहाँ जब दंगे हुए ना तो कोई मतलब नेशनल मीडिया ने इसको कवरेज नहीं किया, ठीक है, और एक रिपोर्टर ने कवरेज किया था, उस पर FIR कर दी। वहाँ पे 3 दिन तक दंगा चलता रहा, हिंदुओं के घर को जलाया गया और पुलिस जो है मुख दर्शक बन के रही या शांति दूत के साथ खड़ी हो गई। ये ममता दीदी का तुष्टिकरण है। इस तरह से उनके अनेक है, आपको कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। रंगधनु बुक था, उसमें ममता दीदी ने रामधनु को रंगधनु करवा दिया, यानी राम वर्ड से उनको प्रॉब्लम था। माँ को अम्मी करवा दिया, आकाशी को आसमानी करवा दिया। ये तो फेमस ही है कि जो जय श्री राम बोलते हैं उसको ममता दीदी गुंडा बोलती है, जेल में डाल देंगे तू हमको। अरे जय श्री राम हमारी भाषा है, हम लोग किसी को स्वागत में बोलते हैं राम राम जय श्री राम, ये तो हम लोग की भाषा है। इस पे ममता दीदी बोलती है कि FIR कर देंगे, ये कैसा बात हुआ। जीडी बख्शी आप जानते होंगे, काफी फेमस चेहरा है वो, जो है वो जैसे यहाँ भारत में मेरी ये स्वतंत्रता है कि हम कहें पाकिस्तान के 4 टुकड़ा कर देंगे, ये मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमको कौन रोकेगा, ये मेरी भारत धरती है, भारत माँ है, हम पाकिस्तान का 8 टुकड़ा करें, मुझे बोलने से कौन रोकेगा। जनरल जीडी बख्शी एक बलूचिस्तान पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे कि भाई बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, वो बोले कि बलूचिस्तान पे अगर आप यहाँ कॉन्फ्रेंस करते हैं बंगाल में तो माहौल बिगड़ जाएगा। अरे कैसा माहौल, हम भारत में होके नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। वो बोलता है कि भारत में गजबा हिंद है, पाकिस्तान में बोलता है जो वहाँ का क्रिकेटर है, वहाँ का बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, वहाँ का नेता है, बोलता है पूरे भारत के हिंदू को काट देंगे। हम ये भी नहीं बोल सकते भारत के धरती पे कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे, बलोचिस्तान अलग कर देंगे, सिंध अलग कर देंगे। एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे जनरल जीजी बख्शी, उनको कॉन्फ्रेंस करने ममता दीदी ने दी। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उसके जो एक मुस्लिम टेररिस्ट निकल के आया था, उस ममता बनर्जी ने कहा था अगर ये टेररिस्ट प्रूफ हो जाता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अब तो प्रूफ हो गया टेररिस्ट, राजनीति क्यों नहीं छोड़ रही। देखिए ये जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था ना, ये दिल्ली में 5 जगह पे बम धमाके हुए थे जी, और दिल्ली के मासूम लोग मारे गए थे करोल बाग में, बहुत जगह पे 5 जगह धमाके हुए थे, इंडियन मुजाहिदीन ने किया था। उसके बाद एक हमारे वीर सिपाही जो थे मोहन चंद्र शर्मा जी, उनको ये सारा रिपोर्ट मालूम हुआ। जब उनको पता चला तो उनका बेटा डेंगू से हॉस्पिटल में था, ठीक है, और वो जो है हॉस्पिटल छोड़ के आ गए आतंकवादी को पकड़ने के लिए। जब मोहन चंद्र शर्मा आतंकवादी को पकड़ने आए तो आतंकवादी उन पे गोली चलाने लगा, इन्होंने काउंटर फायर किया और 2 आतंकवादी को वहीं मार दिया, लेकिन 2 आतंकवादी भाग गया। और जब आतंकवादी भाग गया तो मोदी सरकार जब बनी तो उसको नेपाल से पकड़ के लाया गया। जब आतंकवादी को मारा गया तो ममता दीदी बोलती थी कि वो मासूम मुस्लिम है, आतंकवादी को बोल रही थी वो मासूम मुस्लिम लड़के हैं, और बोली थी ममता दीदी कि राजनीति छोड़ देंगे अगर वो आतंकवादी नहीं हुआ, अगर मासूम नहीं लड़का हुआ तो। अब जो है हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी, कोई पुलिस कोई एजेंसी ने नहीं, हाई कोर्ट ने बोला है कि वो आतंकवादी है और उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अब जिस आतंकवादी को फांसी की सजा दी गई, अब ममता दीदी बताए कि राजनीति छोड़ेगी। उनका दिया हुआ बयान है, उत्तर प्रदेश में वो बयान दी थी, केजरीवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, इन सारों ने बोला था कि वो आतंकवादी नहीं मासूम लड़का है। अब बताएं ये कम्युनिस्ट वाले और ममता दीदी कि वो उसको कोर्ट ने बोला कि इसे फांसी की सजा होगी, अब राजनीति छोड़ेगी दीदी, इसका जवाब दे दीदी जी। ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका उन्होंने मोदी जी को चुनौती दी है कि 2 मिनट के लिए आकर मुझसे बहस करें, तो इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए उन्होंने जो चुनौती दी है ना, उससे पहले उनको जवाब देना चाहिए और उनको अपनी अपने बारे में जानना चाहिए। वो मोदी उनके लिए जो है दिलीप घोष जी, शुभेंदु अधिकारी जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, यही काफी है। वो इनसे पहले डिबेट कर ले, फिर मोदी जी से डिबेट करने के लिए वो आए, और वो पहले बताएं कि उनका जो फ्रेंड है वो जो कोयला घोटाला में पकड़ाया है वो क्या कहेंगे इस पे, कोयला लूट जो पकड़ाया है और अपने परिवार को भाई भतीजा बाद में बदल दिया है, इस पे पहले उनको जवाब देना चाहिए, फिर डिबेट करना चाहिए। कर ले वो शुभेंदु अधिकारी से डिबेट, दीप घोष से डिबेट, कैलाश विजयवर्गीय से डिबेट, फिर आए मोदी जी से करने के लिए। ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास किया उन्होंने, आखिर विकास कहाँ है, और जो विकास किया है तो जो ये ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है, सर्वे निकल के आ रहा है, वो आखिर जनता का इनसे उठ के बीजेपी की तरफ क्यों जाता दिख रहा है। देखिए आपने जो बताया बंगाल में विकास हुआ है, ये फैक्ट के आधार पे हमको बताता हूँ, मैं ऐसे कोई नैरेटिव नहीं बना रहा हूँ, आपको फैक्ट के आधार पे बता रहा हूँ कि बंगाल का जो जब अपना देश आजाद हुआ था वहाँ पे कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ये TMC तीनों ने मिलके कैसे बंगाल को बर्बाद किया, वहाँ के इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद किया, मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था बंगाल का, ये जो था 30% था, ठीक है, आज ये 3.5% पे आ गया है।
यहाँ का जो जीडीपी था महाराष्ट्र से 5% हायर था, आज वो जो है महाराष्ट्र का मात्र 35% रह गया, यानी 1/3 के अप्रोक्स। जो दवाई अभी कोरोना में पूरे विश्व में जो दवाई दिया गया है, पूरा विश्व अभी गुणगान कर रहा है भारतीय संस्कृति का, 70% मेडिसिन जो है वो बंगाल में बनता था, आज वो मेडिसिन 10% बनता है। ये हाल बंगाल के विकास को कर दिया गया है। और वहाँ जो कोई एक घर बनता है ना, कुछ बनता है ना, उसके लिए पहले उनके उनका जो माफिया है उसको कट मनी दिया जाता है। तो बंगाल की जनता इन सब चीज़ों से आजिज हो गई है, तो इसीलिए वो कोई ऑप्शन तलाश कर रही है। तो इस ऑप्शन के रूप में उसको बीजेपी नजर आ रही है, इसीलिए बीजेपी के सर्वे में जो है ये रिजल्ट आ रहा है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आई थी, मुस्लिम समाज के लिए हमेशा तत्पर रही थी, आज इलेक्शन से कुछ समय पहले इनको देखा जा रहा है मंदिर मंदिर जा रही हैं, और जो वहाँ पे इमामों को इमाम भत्ता मिलता था वो सिर्फ इमामों को दिया जाता, अब पंडितों को भी देने की बात कर रही हैं। देखिए, आपने जो तुष्टीकरण का विषय उठाया है ना, इस बार बंगाल के इलेक्शन में तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा बन गया। और 2019 का जब रिजल्ट आया, जब बीजेपी एनडीए की सरकार बनी, तो सबको ये चीज लगा कि भाई हिंदुत्व जो है, हिंदू लोग अब जाग गया, अब उसको आतंकवादी कहोगे तो वह विरोध करेगा इसका। तो बंगाल में जो है ना, वहाँ पे एक फेमस चीज हुआ था जो हाईकोर्ट ऑर्डर दिया था, तो ये तो पूरा देश के लोग जानते हैं कि भाई दुर्गा विसर्जन जो है इस पे रोक लगाया गया। लेकिन मैं आपको बंगाल में जिस एरिया में हिंदू की जनसंख्या माइनॉरिटी है वहाँ बताते हैं क्या हाल है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जैन कम हो सिख कम हो कोई मैटर नहीं करता है, सबको अपने फेस्टिवल मनाने का धार्मिक स्वतंत्रता ये हमारा संविधान देता है। और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने रामनवमी के जुलूस पे रोक लगा दी, ठीक है, हनुमान जयंती पे रोक लगा दी, और सरस्वती पूजा जो बिहार बंगाल यूपी इन तीन जगहों के लोग हम लोग जो है स्कूल में मनाते हैं, तो ममता दीदी स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं मनाने दी उस एरिया में, जिस एरिया में हिंदू की जनसंख्या कम थी। और ममता दीदी जो है वो जो क्या कहते हैं, जब लोग वहाँ का जो स्टूडेंट था वो बोला कि हम अपना पंडाल लगा के पूजा कर लेते हैं, तो शांति दूत पंडाल में जब आग लगाए तो ममता दीदी का पुलिस शांति दूत को नहीं पकड़ा। और ये जो है तुष्टीकरण का हद देखिए कि जगन्नाथ जी जो है इनका जब कलकत्ता में रथ यात्रा निकाला जाता है तो ममता दीदी खुद उसमें शामिल होती है, लेकिन जहां हिंदुओं की जनसंख्या कम है वहां जगन्नाथ जी का जो रथ निकाला जाता है उसमें रोक लगा देती है ममता दीदी की पुलिस। पहले ये चीजें चलती थी कि मंदिर मस्जिद मस्जिद जाना ममता बनर्जी का, और राम के नाम से चिढ़ना, तो राम के नाम से आखिर क्यों चिढ़ती थी? क्या जो मुस्लिम समुदाय है, क्या वो राम के नाम से अगर कोई चिढ़ता है तो क्या उसको वोट दे देंगे? क्या वो जाके इसलिए ममता बनर्जी राम के नाम से चिढ़ती हैं? देखिए, राम के नाम से चिढ़ने से ना पूरे मुस्लिम समाज को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कट्टर मौलाना है ना वो जो है क्या कहते हैं, उन कुरान के अनुसार सिर्फ अल्लाह सत्य है, बाकी जैसे हमारे हिंदू में कहा जाता है कि रास्ता अलग है बट ईश्वर एक है, रास्ते अलग अलग है, कहीं से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है किसी भी रास्ते से, ठीक है, लेकिन उन लोग का ये नहीं है। उन लोग में मूर्ति पूजा करना अपराध है, यानी काफिर है, उसको मार दो तो 72 हूर मिलेगा, जन्नत मिलेगा, जो आपको ये मिला हुआ है अभी जो वसीम रिजवी जो सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं याचिका, तो यही बात है। तो कट्टर मौलाना को खुश करने के लिए ममता दीदी जो है राम 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 बोलने वाले को केस करती है, FIR करती है, और वो कट्टर मौलाना जो फतवा देता है तो मुस्लिम समाज में बहुत कम लोग जो है, एजुकेशन काफ़ी कम है, तो वो लोग फतवे के आधार पे वोट देती हैं। आपको कैराना याद होगा, 2019 से पहले जिस महिला ने बोला था कि जिन्ना जिंदाबाद, उसको कैराना की जनता ने जिता दिया क्योंकि फतवा दिया गया था मौलाना के साथ। तो ये जो है ये तुष्टीकरण है, इसको जो है रोक लगना चाहिए। ममता बनर्जी हैं बंगाल में, जब एक आर्मी एक्सरसाइज होता है तो उसको रोक देती हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आर्मी जो है ना वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, क्या होगा युद्ध के समय, वो तैयारी करती है। ये हम 132 करोड़ भारतीयों के सुरक्षा के लिए आर्मी है, ठीक है, वो बंगाल में दानापुर में हर जगह, वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बिहार में उस समय RJD का सरकार थी और नीतीश जी थे, फिर भी वहां दानापुर में जब आर्मी का एक्सरसाइज हुआ तो कोई नहीं रोक लगाया। लेकिन जब ये क्या कहते हैं, यहाँ बंगाल में आर्मी रूटीन एक्सरसाइज कर रही थी, तो ममता दीदी ने आर्मी बोली मेरी तख्ता पलट करना चाहती है। यानी सोचिए, जो हमारे सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे खड़े हैं उनको बोलती है कि हफ्ता सुलती है, हमारे आर्मी पे आरोप लगाती है ममता दीदी। भारत पिता नहीं बोलते हम लोग भारत माता बोलते हैं, तो हम लोग सीताराम बोलते हैं,
राम सीता नहीं बोलते, हम लोग राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं। शिवरात्रि एक दिन का होता है, नवरात्रि 9 दिन का होता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं के प्रति सम्मान है, ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो कार्यकर्ता सोचिए, हर कार्यकर्ता को संविधान अधिकार दिया है किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए, तो बीजेपी का जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है वो बीजेपी का प्रचार करता है तो उसके माँ को घुस के मारा जाता है। ये कैसा महिला सुरक्षा है? अभी जो है वुमेन इम्पावर के पावरमेंट के लिए ये ट्रिपल तलाक का जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था, कानून बनाया था, ममता दीदी का एक नेता है सिद्दीकुला चौधरी उसका नाम है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बोला कि ये डिसीजन गलत है ट्रिपल तलाक पे, ठीक है। और कोई जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैंपियन बनते हैं इनमें से कोई ने सिद्दीकुला चौधरी से सवाल नहीं किया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कैसे गलत कह सकते हो, ठीक है। और जो महिला इसके लिए लड़ी थी उस महिला का नाम था इशरत जहां, उस महिला को इदरीस अली ने धंधेबाज औरत कहा। सोचिए, महिला को धंधेबाज औरत कहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ा था, जिसमें जो है क्या होता था कि अगर रोटी खराब बना देती थी पत्नी, तलाक 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 बोल के उसको घर से निकाल दी। कैसा ये कैसा कल्चर है कि भाई कोई अगर लेट से महिला उठी तो उसको तलाक 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 3 बार बोले घर से निकाल दो। ये क्या हुआ? इस इंपावरमेंट के लिए लड़ी थी, उसको धंधेबाज औरत जो है ये इदरीस अली ने बोला, उस पर कोई एक्शन ममता दीदी नहीं ली। कोई भी जो फेमिनिस्ट जो अपने आप को स्वरा भास्कर तापसी पन्नू अपने आप को फेमिनिस्ट चैंपियन बोलती है, जब एक महिला जो महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ती है उस महिला पे नहीं बोली कि भाई तुम मंत्री हो तुमको हटाया जाए, सबने चुप्पी साध लिया। ये हिपोक्रेसी दिखाती है। जी धन्यवाद सर।